कोरोना जेल में तब्दील होता जा रहा है सेंट्रल जेल। आपको बता दें कि मरीजों की संख्या ज्यादा दिन पर दिन होती जा रही है। फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल को अब कोरोना जेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज जेल प्रशासन के होश फाकता कर रहे हैं। आज कोरोना के 121 और कल 68 यानी 200 का आंकड़ा। लगभग 2200 से ज्यादा कैदी जेल में, बंद जेल की क्षमता से दुगने कैदी जेल के अंदर होने से संक्रमण फैलाने का खतरा बढ़ा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदी संक्रमित हुआ, उसके बाद से लगातार कोरोना का संक्रमण जेल में बढ़ता ही गया। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। लगातार कैदियों की कोरोना जांच की जा रही है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। जेल प्रशासन इसलिए भी परेशान है कि क्षमता से दोगुने कैदी होने की वजह से बैरकों में जगह नहीं है। संक्रमित मरीजों को रखना, उनके लिए अलग से भोजन व्यवस्था करना, उनकी डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच कराना, लगातार उन पर नजर रखना जेल प्रशासन के लिए खतरा बढ़ा रहा है। हालात अभी तो ये है कि जितनी तेजी से जेल में बढ़ रहा है संक्रमण, उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी मौत की सजा में तब्दील ना हो जाए। जेल प्रशासन ने बताया कि संक्रमण से बचने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वह पूरी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बैरकों में लगातार क्षमता से ज्यादा कैदी होने के कारण परेशानियां भी हो रही हैं। हर्ष वर्मा, फरुखाबाद, समाचार 24। लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था की है, आपने हेल्प डेस्क बनाई है, जो आ रहा है वो जा रहा है उसकी चेकिंग हो रही है, कैसे क्या व्यवस्था है और किस तरीके से ये लागू कर पाए हैं? देखिए, हमने शुरू से ये व्यवस्था की है कि एक सैनिटाइजेशन गैलरी यहाँ पे बना के रखी है कि जो भी आएगा तो वहाँ पे अपने शूज़ को जो है उनको सैनिटाइज करता हुआ आएगा। अंदर भी हमने जो है साबुन रखा है और सैनिटाइज़र रखा है और हैंड ड्रायर भी रखा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति जो है बिना मास्क लगाए अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हम जो है थर्मल कैमरे से स्कैनिंग भी कर रहे, थर्मामीटर से जो है स्कैनिंग भी कर रहे हैं। ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई भी संक्रमण ना फैलने पाए। संक्रमितों कितनों की जाँच अभी हम लोग कर रहे हैं? अभी तो हमारे पास 2160 बंदी थे, जिसमें से 2140 बंदी जो थे वो संक्रमित नहीं पाए गए। मात्र 20 बंदियों का जब लास्ट में हुआ जो एक अलग जगह पे थे, उनमें से 3 पाए गए हैं, उससे भी बढ़ के अब संख्या जो है 25 से 30 तक हो गई है। तो कैसे हम लोग उनको रख रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तुरंत आइसोलेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स उनको जो है हमारे डॉक्टर उनको पूरा इलाज दे रहे हैं। आइवरमेक्टिनो जो भी दवाएँ सजेस्टेड हैं वो सब दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त काढ़ा, गर्म पानी और जो है हल्दी वाला दूध सभी दिया जा रहा है। सुरक्षा में और भोजन में उनकी क्या व्यवस्था की जा रही है? भोजन के अंतर्गत यही है कि आपको उनको काढ़ा दिया जा रहा है, गर्म पानी अतिरिक्त दिया जा रहा है और बाकी हल्दी और इसका वाला भोजन तो हम लोग बहुत अच्छा दे ही रहे हैं, लेकिन ये जो संक्रमित हो गए उनके लिए विशेष व्यवस्था है। अलग से बैरक में रखा जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से जो भी टेस्ट में आ जा रहे हैं उनको आइसोलेट किया गया तुरंत ही। तो अब इसको रोकने के लिए आपके पास हेल्प डेस्क है, टीम लगी हुई? हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि फिर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसमें से जो नेगेटिव हैं उनको अलग रखा जाएगा, पॉजिटिव बंदियों के लिए अलग व्यवस्था है। तो लगभग अभी हमारे यहाँ जो बंदी हैं उनकी स्ट्रेंथ को बचाने के लिए हम लोग अलग बैरिक का इस्तेमाल करेंगे? हाँ बिल्कुल, अलग हो पहले से ही हो रहा था, लेकिन ये एक अलग हाई सिक्योरिटी में 3 बंदी मिले थे, उन्हीं से फिर फैला कि जो खाना आना देने जा रहे थे उनके थ्रू, तो इसके लिए भी पूरा चेक किया जा रहा है। और कोई भी बंदी अभी गंभीर रूप से नहीं है, खाली एसिम्प्टोमेटिक हैं सभी, लेकिन आगे हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से नेगेटिव ना हो जाए किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं। फिरोजाबाद में